Let's do question number 3 of exercise 2C, that is polynomials. Question number 3 is find the zero of the polynomial. Hame isme bhi zeros of the polynomial nikalne hai. Kiske x square minus 3x minus m, m plus 3. Iska hame zeros of the polynomial nikalne hai. That means this is fx aur hame iske factors nikalne hai. To factors, maine aapko kaha isko isse multiply kiya middle term splitting ke through. तो ये आ गया m plus 3 x square. इसके ऐसे दो factors की plus minus करके क्या है minus 3x. अगर आपको ये question नहीं समझ में आया तो please आप मेरी पहले factorization वाली videos देखें class 9 की और तब इसको देखें, right? आप तब भी जब भी इस type का होता है तो इसी दो को multiply करके देखते हैं. अगर हम m plus 3 x minus m x इसको ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, ये दो कट जाते हैं और प्लस का 3x आ जाता है, लेकिन हमें चाहिए माइनस का. तो हम क्या करेंगे, इसके साथ माइनस m plus 3x और प्लस का m रखेंगे. ये दो फैक्टर्स हो गए, एक ये और एक ये, राइट. अब इसको हमने क्या किया, ओपन किया, इन दोनों के साथ x आ गया प्लस mx, तो ये कट गया. अब माइनस का 3x यही आना था. हमने फिर से बता रही हूं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी. अब इसके फैक्टर्स तो नहीं आ सकते, लाइक 6 के हम फैक्टर्स बना सकते हैं लेकिन इसके नहीं बना सकते. तो हमने एक m मान लिया और एक m प्लस 3 मान लिया फैक्टर, राइट. तो अब क्या आया, x स्क्वायर माइनस ये हमें माइनस का लेना है, तो माइनस का m प्लस 3 x और प्लस का mx, राइट. तो हमने किया माइनस का m प्लस 3x प्लस का mx माइनस m इनटू m प्लस 3. तो इन दोनों में से x कॉमन आया, तो x कॉमन आया तो क्या बचा, x माइनस m प्लस 3 बचा. और इन दोनों में से m कॉमन आया, प्लस का m कॉमन, तो क्या बचा, x माइनस m प्लस 3 बचा, राइट. x माइनस m प्लस 3 कॉमन आया तो क्या बचा, x प्लस m बचा, राइट. अब हमें जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल निकालने हैं, तो हम इन दोनों को जीरो के इक्वल रख देंगे. तो x माइनस m प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस का है पूरा ब्रैकेट, उधर जाके प्लस का हो गया, तो m प्लस 3. इसी तरीके से x plus m equals to 0, m plus का है उधर जाके minus का हो गया, तो m plus 3 and minus m are the zeros of fx answer. Let's do question number 4th of exercise 2c, that is polynomial. Question number 4th is if alpha and beta are the zeros of the polynomial such that, हमें पता है alpha और beta दो zeros of the polynomial हैं, तो such that alpha plus beta हमें दे रखा है 6 और alpha beta दे रखा है हमें 4, तो हमें क्या निकालना है, then write the polynomial और हमें उसकी expression लिखनी है, fx लिखनी है. तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए expression हमारी क्या होती थी, fx जो होता था वो होता था x square minus alpha plus beta x plus alpha beta, यही होती थी. तो x square minus alpha plus beta क्या हुआ, 6, 6x हो गई, 6 को आप bracket में रख लीजिए, plus 4, अब आपने bracket खोला तो ये क्या है, x square minus 6x plus 4 is the answer. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.